लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें किसानों और युवाओं के लिए लुभावने वादे किए गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने इस घोषणा पत्र को धोखा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस के नेता सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। ऐसे में उनका घोषणा पत्र भारत की जनता के साथ सिर्फ धोखा है। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कि विकास का काम करती है और हमारे कार्यकर्ता इस देश के विकास में जुटे हुए हैं। ये सारी बातें पुरानी हैं। पिछले 5 सालों में जब जबलपुर में लोकसभा का चुनाव हुआ था, डेवलपमेंट के मॉडल पर बहुत चर्चा हुई थी। परिणाम पूरे देश ने देखा है। जबलपुर की जनता जानती है कि वास्तविकता क्या है। आजादी के बाद के 70 सालों में 55-56 साल कांग्रेस की सरकारें प्रदेश और देश में रही हैं। जबलपुर उपेक्षा का दंश झेलता रहा है और इसीलिए विकास का जो मॉडल आज जबलपुर में दिखाई दे रहा है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का है।